ऐसे तेजी के बाजार में एक ऐसा रेलवे स्टॉक भी है जो अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से काफी सस्ता दिखाई दे रहा है अपनी ही इंडस्ट्री में, अगर हम कंपैरिजन करके देखें। और मजे की बात यह है कि ये कंपनी Q1 के अंदर अपने सेल्स में, अपने प्रॉफिट में मल्टीफोल्ड ग्रोथ दिखा चुकी है, और ऐसा ही ट्रेंड पूरे ईयर के लिए दिखाई देता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 इस कंपनी के लिए दमदार दिखाई देता है। और इस कंपनी ने भी रिसेंटली काफी बड़ा एक्विजिशन भी करा है, जिसके कारण इनका जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन भी होता दिख रहा है, यानी कि कंपनी को जो है अपना रेवेन्यू बढ़ाने में काफी बड़ी मदद मिलने वाली है। और कंपनी का रिसेंटली QIP भी हुआ था, और QIP भी ओवर सब्सक्राइब हुआ, यानी कि इंस्टीट्यूट ने भर के इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, काफी यहाँ पर उन्होंने इंटरेस्ट भी दिखाया है। और रेवेन्यू जैसा मैंने आपको बताया, लगभग 35% की कंपनी ने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, और लगभग 176% की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर पैट में दिखाई है, यानी कि Q1 के हिसाब से अगर देखें या पिछले फाइनेंशियल ईयर का Q4 क्वार्टर भी देखें, तो अब ये ट्रेंड बता रहा है कि इस कंपनी के मुनाफे में यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे रही है। और मैनेजमेंट ने भी रिसेंटली कॉन कॉल में ये भी बताया है कि कंपनी की ऑर्डर बुक 7,500 करोड़ रुपये को क्रॉस कर गई है, और मैनेजमेंट ये तक बता रहा है कि 7,500 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है उसमें 60% जो ऑर्डर हैं वो फ्रेट वैगन्स के हैं, जिसमें से लगभग 88% ऑर्डर जो हैं इंडियन रेलवे की तरफ से आए हुए हैं, यानी कि भारतीय रेलवे जो भी यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है उसमें इस कंपनी का मेजर रोल है। नाम तो आप समझ गए होंगे कंपनी का, जी हाँ, टैक्स मैको रेल एक ऐसी कंपनी है जिसको हमने पास्ट में भी कवर किया है, लगभग 100-120 रुपये के आसपास भी कवर किया है, पर एट प्रेजेंट के करंट सिनेरियो में भी देखें तो ये कंपनी अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से महंगी नहीं दिख रही है। और जिस हिसाब से इस कंपनी के फाइनेंशियल सुधरे हैं और लगातार वो बढ़त दिखा रहे हैं, तो ये साल इस कंपनी के लिए दमदार साबित होता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण इसकी आगे भी रीरेटिंग हो सकती है। क्योंकि करंट सिनेरियो में आप देखें तो रेलवे सेक्टर के अंदर, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कंपनियां हैं, आर्मिनल जैसी जो कंपनियां हैं, उनके वैल्यूएशन आप देखें कितने हाई हैं। और इसी इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो टीटागढ़ वैगन जैसी जो कंपनी है, जो जुपिटर वैगन जैसी जो कंपनी है, उनके अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो उस वैल्यूएशन के अनुपात में कंपनी अभी भी बेहद सस्ती दिखाई दे रही है। और मैनेजमेंट ने कॉल कॉल में यह तक बताया है कि लगभग 30,000 वैगन का ऑर्डर इंडियन रेलवे इस साल जारी कर सकता है, जिसमें इस कंपनी को काफी बड़ा ऑर्डर का शेयर मिल सकता है, यानी कि ऑर्डर का इनफ्लो भी यहाँ पर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ती है, तो वो भी आप जरा एक बार देखिए। अगर करंट सिनेरियो 240 रुपीज के आसपास देखें तो 62 रुपीज की बुक वैल्यू दिखाई दे रही है इस कंपनी की। यह डाटा मैं आपको स्क्रीनर से उठा के दिखा रहा हूँ, वहां पर आप जाके चेक कर सकते हैं। 62 रुपीज की बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक के हिसाब से 3.8 के मल्टीपल पर। वैसे अगर आप पीई के हिसाब से देखेंगे अभी आपको महंगी दिखाई देगी, और जिस हिसाब से इस कंपनी का ईपीएस बढ़ता दिखाई दे रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उसके बाद आपको इसका पीई भी एडजस्ट दिखाई दे देगा, और बाजार इस चीज को कहीं ना कहीं समझ रहा है क्योंकि कंपनी की अर्निंग बढ़ती दिखाई दे रही है। इसी इंडस्ट्री के अंदर हम जुपिटर वैगन की बात करें तो जुपिटर वैगन लगभग 40 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी है, जो कि 14 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। अगर हम टीटागढ़ वैगन की बात करें, टीटागढ़ वैगन 165 रुपीज की बुक वैल्यू वाली कंपनी इस समय लगभग 8.5 के मल्टीपल पे, अगर 1400 रुपए के प्राइस के आसपास देखें, यानी कि ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इस समय प्राइस टू बुक के हिसाब से 3.8 के मल्टीपल पे है, यानी कि सिंगल डिजिट मल्टीपल पे दिखाई दे रही है। यानी कि तीनों कंपनियों के कंपैरिजन में ये कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से, प्राइस टू बुक के हिसाब से सबसे सस्ती है। और इस साल इसकी अर्निंग बढ़ेगी, निश्चित रूप से इसकी आरओई बढ़ेगी, और कोई बड़ी बात नहीं है, ये कंपनी इस साल जो है लगभग 10% की आरओई अचीव कर ले, आप कह सकते हैं 9 से 10% की आरओई के पास हो, जिस हिसाब से इसका मुनाफा बढ़ता जा रहा है। और ये जो एक्विजिशन इस कंपनी ने किया है यहाँ पर जिंदल रेलवे का, तो उसके कारण भी इस कंपनी की यहाँ पर सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और वैल्यूएशन निश्चित रूप से सस्ते हैं। पर नियर टर्म में आपको ये भी याद रखना है कि जिस तरीके का बाजार के अंदर माहौल है, हो सकता है इस कंपनी के अंदर करंट प्राइस 240 रुपये से भी आपको थोड़ी बहुत और गिरावट यहाँ से देखने को मिले, क्योंकि शेयर हायर लेवल से अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में गिरा है। तो इतने अच्छे नतीजे होने के बाद भी बाजार का जो मूड है, उस मूड में कहीं ना कहीं शेयर के अंदर भी आपको गिरावट दिख सकती है। पर जिन लोगों के पोर्टफोलियो का शेयर है, जिन लोगों के पोर्टफोलियो में शेयर एट प्रेजेंट है, मुझे लगता है उनको ये कंपनी कन्विक्शन के साथ होल्ड करनी चाहिए। ये साल इस कंपनी के लिए अच्छा खासा दमदार दिखाई दे रहा है, और इंस्टीट्यूट्स की रिसेंटली जो इस कंपनी के अंदर एंट्री हुई है लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से, वो भी पॉजिटिव दिख रही है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो, अगर रेलवे सेक्टर के अंदर आप कोई जेम ढूंढ रहे हैं, रेलवे सेक्टर के अंदर आप हिडन जेम ढूंढ रहे हैं, तो आपकी सर्च को
पूरा करेगा। और आप भी इस कंपनी को एक बार रिसर्च करिए, कंपनी को समझिए, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को देखिए और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है उसको देखिए। ये सब डाटा आपको इजिली अवेलेबल होगा बीएससी की वेबसाइट पर, तो वहां पर जाकर आप एक बार कंपनी को समझिए। मुझे कंपनी समय वैल्यूएशन के हिसाब से काफी आकर्षक दिख रही है, क्योंकि कंपनी ग्रोथ के फेस में भी यहाँ पर क्लियर कट दिख रही है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।